हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है आरसीबी बनाम एलएसजी एंड ये खेला जाएगा एट द चिन्नस्वामी इन बेंगलुरु। सब कुछ के पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के कारण वो जो गेम है, वो जो रिस्क है, वो पुल ऑफ हो गए इन द एमआई वर्सेस आरआर गेम। एंड वाइल छोटी छोटी एसएल विंस इधर उधर होती गई, एक एसआरएच के केआर वाले गेम में वो 25 मेंबर वाले मिनी में क्लोज आए, कल सीएसके वर्सेस डीसी में भी थर्ड सेकंड आए। बट फाइनली द रैंक इज हियर, वी आर एट नंबर वन इन 25 मेंबर्स एंड हमारी मिनी टीयर्स भी काफ़ी अच्छी गई, स्मॉल लीग्स में भी क्लीन स्वीप। एंड ज़्यादातर लोग इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, बट मैं फोकस इस चीज़ पे करता हूँ, वो प्रोसेस पे। ये ट्वीट या तो बहुत ट्रोल होती है या तो बहुत चलती, करेंटली निधर हो रहा है क्योंकि जब अच्छे काम होते हैं तो कम ही लोग देखते हैं, यही अगर रन बन जाते तो फिर ये ट्वीट ज़्यादा पहुंच जाती लोगों तक। बट अच्छा लगा आप तक जो लॉजिक था वो मैं पहुंचा पाया एंड उसी तरीके से पुल ऑफ कर पाया, तो यही एम होगा थ्रू आउट द सीजन एंड यही कोशिश रहेगी, तो जारी रखेंगे ऐसे ही। एंड आज 3 out of 3 प्लेयर्स चल गए, किशन, रोहित, बटलर तीनों फेल हो गए। हो सकता है 2 out of 3 भी फेल हो सकता है, 1 out of 3 भी फेल हो सकता है, कोई भी फेल ना हो एंड सब एंड हमारी टीम पूरी तरीके से फेल हो जाए। पॉइंट है कंसिस्टेंटली प्रोसेस को फॉलो करना, क्योंकि जब ये चल रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे एक 3 to 4x वाला गेम, तो हर गेम इतने बड़े रिस्क के साथ पुल ऑफ होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंटली उस प्रोसेस को बैक करना। तो चलते हैं आज के प्रीव्यू की तरफ एंड चलेंगे पहले टुवर्ड्स द एक्सचेंज 22 लीडर बोर्ड, जहाँ पे कुछ टॉप प्राइजेस, तो इंश्योर कि आप पार्टिसिपेट करें। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सचेंज 22 की पिक्स में शेयर क्यों नहीं कर रहा, तो एट द एंड ऑफ दिस प्रीव्यू वो भी हम कर लेंगे, सो उसकी चिंता मत कीजिए। एंड रिमेम्बर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड लाइक कॉमेंट जरूर करिए, ताकि ये कॉन्टेंट और लोगों तक पहुंच पाए। एंड नाउ लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, द टैक्टिकल कॉर्नर। समझते हैं कि आज टैक्टिकल कॉर्नर में कौन होंगे वो बड़े एलिमेंट्स। एंड आप देख सकते हैं कि बैटिंग में आपको यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है ऑल द वे थ्रू, क्योंकि आरसीबी की आप बैटिंग की बात करें तो फॉर्म काफी दिखा है हमें, विद कोहली फैफ एक आध अच्छी नॉक, ग्रीन मैक्सवेल में एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर, पाटीदार का फॉर्म अब तक आया नहीं एंड अनुज डीके ने भी एक दो अच्छी पारियां यहाँ पे खेली है। सो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट। एंड एलएसजी की भी बात की जाए तो केएल, क्यूडी, के पूरा अनस्टॉइनस एंड डीडीपी, अब पुरान से भी एक बड़ी पारी देख चुके हो एटलीस्ट अ गुड कैमियो, सेम विद क्यूडी के गुड नॉक एंड सेम विद केएल, तो सबका फॉर्म अच्छा। स्टॉइनस अब तक येट टू कम इनटू फॉर्म, बट लास्ट गेम में कुछ झलकियां दिखाए उन्होंने, यहाँ पे इनका रिकॉर्ड गुड विद द बैट एंड डीडीपी यहाँ के लोकल प्लेयर, तो दोनों टीम्स बैटिंग में एकदम स्टैक्ड अप है। वाइल आरसीबी एंड एलएसजी की बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में अगर आरसीबी ने स्ट्राइक किया तो किया, क्योंकि वहां पे सिराज एंड दयाल है उनके पास, बट उसके बाद बहुत सारे कंसर्न मिडल ओवर्स एंड डेथ बोलिंग में। एंड एलएसजी की भी बॉलिंग की बात की जाए तो मेन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बिश्नोई एंड क्रोनाल के साथ है इन द मिडल ओवर्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस ग्राउंड पे स्पिन को ज्यादा मदद मिलती नहीं, थोड़ा सा टू पेस रहा है अब तक ट्रैक, बट इतना नहीं कि मैं कहूँ कि यहाँ पे लोग 4, 5, 6 विकेट साथ में ले जाए। एंड नवीन इन द डेथ यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है वो जो टू पेस बॉल्स है थोड़े से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं इन द पिच। तो की टेकअवेज क्या होंगे हमारे लिए कि दोनों टीम्स की बैटिंग पावर पैक्ड है, तो हेंस बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस एंड मे बी इस गेम में आप बैटर्स को बैक करें। एंड स्कोप यही पे है कि जो आप जीएल के सिनेरियो के बारे में सोचते हो जब आप ये टैक्टिकल कॉर्नर देखते हो, वो ये है कि पावर प्ले में आरसीबी एक आध विकेट निकाल ले स्टार्टिंग में तो फिर एलएसजी को तकलीफ है हो सकती, क्योंकि पूरा अनस्टॉइनस ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो पसंद नहीं करते हैं कि आके पहले 5-6 ओवर्स में बैटिंग करना शुरू करते हैं, तो वही एक छोटा सा सेगमेंट मुझे दिख रहा है, एल्स ये लग तो रहा है कि एक बैटिंग डोमिनेंट गेम हो सकता है। तो ये हुई टैक्टिकल कॉर्नर की बात, अब चलते हैं आगे के प्रिव्यू की तरफ। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम, एक पूरा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो वही चिन्नास्वामी का ग्राउंड, गुड बैटिंग कंडीशन, जैसे मैंने कहा सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि पिच थोड़ी सी स्लो टू पेस्ट है, तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या वापस ऐसा होता है। पिच रिपोर्ट से थोड़ी हमको हिंटर्स मिली है इस बात पे, तो पिच रिपोर्ट जरूर देखिएगा मुकाबले के पहले। अब बात की जाए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे सिमिलर 11 हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों साइड के लिए। लेट्स सी आरसीबी के लिए अल्जारी फिर से खेलते हैं, कौन उतरते हैं स्लॉट में, वाइल मयंक यादव एलएसजी के लिए लास्ट गेम में आए, क्या इम्पैक्ट बनाए, क्या पेस के साथ डाला, बहुत खुशी होती है ऐसे पेसर्स को, इंडियन पेसर्स को डालते हुए, सो रियली गुड गेम फॉर हिम। अब चलते हैं आज के
एक्सपेक्टेड साइड्स की तरफ एंड इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है माय मास्ट 11। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड कैसे जीतना है, जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे आपका चांस बढ़ता जाएगा। सो गुड चांस फॉर यू टू मेक सम बिग विनिंग्स। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं एंड बेस्ट प्राइस है, कमीशन कम है। तो जाइए अभी ज्वाइन करिए अपनी लीग्स। अब चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ। वी स्टार्ट विद विराट कोहली, 29 का एवरेज वर्सेस LSG एंड एट बैंगलोर, अमेजिंग नंबर्स। जितना कम रिस्क लेके खेलते हैं स्टार्ट पे, एक अमेजिंग कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस भी बन जाते हैं, क्योंकि आपको फैंटेसी वैल्यू इनसे काफी ज्यादा मिल जाती है। हेंस आप इनके साथ ऑप्ट करना चाहोगे एंड बेस टीम में तो बिल्कुल रहेंगे। फैफ डुप्लेसी वर्सेस LSG, 57 का एवरेज इन एट बैंगलोर, 48 का एवरेज। लास्ट कुछ गेम्स कुछ खास नहीं गए, बट उसके अलावा अच्छे फॉर्म में लगे बिफोर दैट। तो ऑफ कोर्स बेस टीम में बैक करेंगे दोनों दोनों। विराट एंड फैफ के लिए सिर्फ एक ही मेन थ्रेट रहेगा, वो होगा मोहसिन खान के सामने। उनको खेल के निकाला तो फिर यहाँ पे बहुत सारे रन जा सकते हैं भाई दोनों के। फिर चलते हैं रजत पाटीदार की तरफ। एक ही गेम खेला LSG के सामने, उस एक गेम में सिर्फ 112 रन मारे, सिर्फ 112। बट फॉर्म कुछ खास नहीं है भाई का। बट अगर आप बैक करोगे कोई ग्राउंड पे, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म बैटर इन फॉर्म आए तो वो यही ग्राउंड है। हेंस ऐसे जो मिडिल ओवर्स की बोलिंग है स्पिन डिपेंडेंट है इनकी, एंड रजत पाटीदार अच्छा स्पिन खेलने के लिए जाने जाते हैं। सो आई थिंक आप बैक कर सकते हो, स्पेशली अपने ग्रैंड लीग टीम में तो बिल्कुल लीजिएगा। ग्लेन मैक्सवेल ठीक ठाक नंबर्स वर्सेस LSG, 23 की एवरेज, 2 विकेट्स हैं। नेट बैंगलोर भी 24 की एवरेज है, 7 विकेट्स हैं। कुछ अच्छे मैचअप्स है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स इन द अदर टीम, उसकी भी हम बात करेंगे आगे मैचअप सेक्शन में। कैमरन ग्रीन कुछ खास फॉर्म में नहीं चल रहे, बट क्योंकि अच्छी बैटिंग पिच है, प्लस प्रॉब्लम यह है कि कुछ ओवर्स भी करेंगे, आज यहाँ पे 6 बॉलर की जरूरत पड़ती है। तो हेंस आप बेस टीम से ड्रॉप करना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ग्रैंड लीग में भी आप इन पे चांस ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग हिम। अनुज रावत वर्सेज LSG, 3 मैच में 8 विकेट्स, एट बैंगलोर 4 मैचेस 52 रन। अच्छे फॉर्म में लगे हैं, काफी कैचेस भी ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास इतने सारे कीपिंग ऑप्शन है कि अनुज और DK आपके लिए GL ऑप्शन ही बन के रह जाते हैं जब वो पहले बैटिंग करें, तो वही तकलीफ है। आप इन प्लेयर्स को कब ले सकते हो, ये महिपाल लोमरोर एंड DK, तीनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लोग का अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी वैल्यू तभी बढ़ेगा जब मे बी विराट या फैफ वहां पे जल्दी आउट हो जाए। तो जो GL टीम्स में आप वो सिनेरियोस के लिए बना रहे हो तब आप इन्हें लीजिए, क्योंकि हमने देखा लास्ट गेम में भी जब पंजाब के सामने DK का बैट काफी अच्छा था, बट प्रॉब्लम क्या है, ये खेल रहे हैं 10-11 बॉल, तो वहां पे आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर मैच में 25-30 रन मार देंगे। कभी इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं तो आउट भी होंगे, तो हेंस उन्हें बैक करना बेस टीम में तो काफी मुश्किल हो जाता है वो हिसाब से। तो ये हुई बात RCB के 3 फिनिशर्स की। फिर है करण शर्मा, ठीक ठाक नंबर्स है वर्सेस LSG एंड एट बैंगलोर। देखते हैं इस मैच में मौका मिलता है या नहीं। वाइल अल्जारी जोसेफ इनका फॉर्म खास खराब रहा है, वर्सेस LSG भी कभी भी 1 विकेट लिया नहीं उन्होंने, एंड देखते हैं रीस टॉपली में भी खेल जाए इस मुकाबले में। मैं इसलिए नहीं कह रहा रीस के बारे में कि मैं चाहता हूँ खेले, बट ऑफकोर्स टीम के लिए ऐसा तो लग रहा है बेहतर वही होगा। हो सकता है इस गेम में आके अल्जारी 5 विकेट ले जाए, हु नोस, बट अब तक तो फॉर्म कुछ खास लगा नहीं है इनका। मोहम्मद सिराज आई थिंक वन ऑफ द टॉप चॉइसेस रहेंगे इस गेम में। बॉलिंग फॉर्म नहीं रही इनके साथ, बट हमने देखा है कि पहले भी पास्ट में डिकॉक को कभी कभार थोड़ा स्टार्ट में परेशान किया है इन्होंने, वो अवे स्विंगर डालते हैं, कभी एज वेज पकड़ लिया उनका क्या पता। सो 4 मैचेस 6 विकेट्स एट बैंगलोर, 17 मैचेस 21 विकेट्स, ठीक ठाक पिक कहूंगा। प्रॉब्लम क्या है, बैटिंग पिच पे आप कितने ही बोलर्स को ले पाओगे, दैट विल बी द की क्वेश्चन। यश दयाल भी 1 मैच 2 विकेट्स, प्योरली एक ग्रैंड लीग चॉइसिस मुकाबले में, जब आपको लग रहा है कि LSG की टॉप 3 गिर जाएगी तब इनका हाथ बड़ा हो सकता है। तो GL में जब उन सिनेरियोस के लिए टीम बना रहे हो वहां पे इन्हें लीजिएगा। अब चलते हैं LSG की तरफ। यहाँ पे क्विंटन डिकॉक वर्सेस RCB, 11 मैचेस 33 का एवरेज, एनाट बैंगलोर 42 का एवरेज, अच्छे खासे नंबर्स, बिल्कुल बैक करेंगे। प्लस ये आपको कीपिंग वैल्यू देंगे मोस्टली, क्योंकि पहले गेम में राहुल ने कीपिंग की, सेकेंड गेम में इन्होंने कीपिंग की। अब देखते हैं अगर राहुल एज इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं तो फिर वापस इनका काम यहाँ पे बढ़ सकता है। KL राहुल अनदर टॉपिक वर्सेस RCB, 69 की एवरेज एंड एट बैंगलोर 36 की एवरेज। खेलेंगे तो ऑफकोर्स एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस ये भी बनेंगे, देखते हैं एज अ कीपर खेलते हैं या नहीं, दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। देवदत्त पाडिकल 5 मैचेस में सिर्फ 109 रन वर्सेज RCB, एंड एट बैंगलोर 1 मैच में 50 रन मारे। प्लस याद रखिए ये इनका लोकल ग्राउंड है, ये बहुत खेल चुके हैं यहाँ पे क्रिकेट, इनका भी फॉर्म IPL में कुछ खास अब तक रहा नहीं। बट अगर कोई ग्राउंड होगा जहाँ पे आप चाहोगे कि ये आके परफॉर्म करें, एंड जो मैं ग्राउंड पे ये भी
सोचेंगे कि हाँ मेरा फॉर्म वापस आ जाएगा, वो यही ग्राउंड होगा। एंड ये भी एक अच्छी पिक बन सकता है इस मुकाबले में, स्पिन भी अच्छा खेल लेते हैं, सो आई थिंक एक टॉप पिक बन सकते हैं ये भी। निकोलस पुरान आप बिना सोचे इन्हें लोगे इस मुकाबले में, एट बैंगलोर 2 मैच में 108 रन, बहुत ही ज्यादा आतिशबाजी पारी है यहाँ पे खेली है इन्होंने पहले, एंड बिल्कुल भी इन पे मैं चांस लूंगा नहीं। बाकी मैचेस वगैरह कुछ भी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि एक सिक्स हिटिंग मशीन बनते हैं अपने दिन पे, एंड यहाँ पे आपको पता है कितने सिक्सेस पहले ही लग चुके हैं। आयुष बदोनी ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छे फिनिशर है, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जल्दी विकेट गिर गए तो वापस ये वही अनुज रावत महिपाल लोमरोड टाइप का रोल खेलेंगे, तो मैं ऐसा नहीं वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूंगा खराब प्लेयर्स हैं ये, पर प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे पिचेस पे बैटिंग ज्यादातर टॉप ऑर्डर ही कर जाती है, तो जब आप जीएल टीम्स बना रहे हो वहां पे ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल बैक करिए क्योंकि क्वालिटी तो इनमें भी काफी है। मार्कस स्टोइनिस गुड प्लेयर, 10 मैचेस 243 रन वर्सेज आरसीबी एंड एट बैंगलोर 7 मैचेस 179 रन, लास्ट गेम में थोड़ा ऊपर आए थे तो वो हिसाब से डेफिनेटली आप बैक कर सकते हो, बट प्योरली एज अ बैटर बॉलिंग से तो कुछ खास मौका इन्हें मिला नहीं अब तक। बट याद रखिए यहाँ पे अगर बॉलिंग की वो जो टू पेस्ट मैं कह रहा था पिच है, ये ऐसे ही वो कटर आके डालते हैं तो डोंट बी सरप्राइज एक दो विकेट यहाँ पे आके निकाल जाए। क्रुणाल पांड्या कुछ खास नहीं, 16 मैचेस में 12 विकेट्स वर्सेज आरसीबी एंड एट बैंगलोर 6 मैचेस में 102 रन। अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, ज्यादातर तो आपको विकेट्स की तकलीफ होगी यहाँ पे, एंड अनलेस आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई एंड बीच में विकेट फेंकेंगे तो फिर उनका काम बन सकता है, काफी मुश्किल टू पिक है। रवि बिश्नोई 8 मैचेस में वर्सेस आरसीबी 8 विकेट 0, इग्नोर करो बीच में, एंड एट बैंगलोर 1 मैच में कोई भी विकेट नहीं। वापस अगर आपको लग रहा है बीच में मैक्सवेल रावत आके विकेट फेंकेंगे तो वहां पे इनका रोल बन सकता है क्योंकि मिस्ट्री तो है इनके पास, प्लस इनका जो बॉल है पिक करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, तो अगर थोड़ी सी भी टर्न की साइन दे तो इनका काम वो हिसाब से बन सकता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ऐसा नहीं कहूंगा वीक है बट थोड़ी सी सस्पेक्ट है वो कह सकते हैं हम। नवीन उलक 1 मैच में 3 विकेट्स, आ गए हैं वापस ये बैंगलोर के सामने, बट अब गौतम गंभीर नहीं है डगआउट में, इनकी भी सुलह हो गई है विद विराट कोहली, सो अच्छा गेम हो सकता है इनके लिए। टू पेस्ट पिच पे 1 मैच में 3 विकेट्स ले चुके हैं पहले इस टीम के सामने, पहले बॉलिंग में इनका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोहसिन खान लेफ्ट आर्म पेसर, एंड हमें पता है कि लेफ्ट आर्म पेस ने आरसीबी के टॉप ऑर्डर को पहले परेशान किया है, तो जीएल में जो टीम्स में आप इनको ले रहे हो वहां पे बिल्कुल चांस लेना होगा आरसीबी टॉप ऑर्डर। एंड फाइनली मयंक यादव, क्या ही बोलिंग की है इन्होंने, 145+ कंसिस्टेंटली इन्होंने एवरेज किया थ्रू आउट द गेम, बोल्ड द फास्टेस्ट बॉल ऑफ द सीजन 155.8 की वो डिलीवरी थी, एंड एकदम परेशान किया इन्होंने सामने वाले बैटर्स को। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इतने आसान कंडीशंस तो नहीं होने वाली फॉर बॉलिंग, बट अगर आपको लग रहा है कि चेज में आ गए विद अ बिग स्कोर तो अंडर प्रेशर ये विकेट्स बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो एक नजर इन पे बिल्कुल बनाए रखिएगा। मैचअप्स की बात की जाए फॉर दिस गेम तो विराट वर्सेस क्रूनल इंटरेस्टिंग मैचअप है, 109 रन 103 बॉल्स में, एक बार आउट हुए तो स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, 105 तो ऑफकोर्स कम है फॉर विराट स्टैंडर्ड्स, बट एक इंटरेस्टिंग मैचअप यहाँ पे बन सकता है। मे बी ये लोग इन्हें इसे थोड़ा सा जल्दी ले आए इन द थॉट कि मे बी ये जल्दी उनको निकाल लें। विराट फैफ वर्सेस नवीन 3 बार आउट हुए हैं, 135 का स्ट्राइक रेट, एंड नवीन हमने देखा है कि इन्होंने अपनी ओपनिंग बोलिंग भी काफी डेवलप किया, बटलर को भी जल्दी आउट किया था कुछ गेम पहले। क्विंटन डिकॉक वर्सेज मैक्सवेल 17 of 23, एक ही डिसमिसल बट स्ट्राइक रेट काफी खराब, सो अनदर प्रोस्पेक्ट की मैक्सवेल आके ओपनिंग बॉलिंग कर जाए। इन्होंने क्रूनल पांड्या को भी 3 बार आउट किया था नॉट रॉन्ग, बट क्रूनल थोड़ा सा लो आते हैं एंड सो मैचअप यहाँ पे करेंटली नॉट। एंड लास्ट जो मैचअप है यहाँ पे क्यूडी के वर्सेस सिराज 23 of 21 1 विकेट, जो वरुण वाला मैचअप इग्नोर करिए वो एडिट करना मिस हो गया, बट एक काफी इंटरेस्टिंग मैचअप यहाँ पे बन सकती है क्योंकि ये पहले आउट कर चुके हैं इन्हें, एंड एक नहीं करेक्शन यहाँ पे एक नहीं बट 2 बार इन्हें आउट कर चुके हैं ये पहले, सो एक काफी इंटरेस्टिंग मैचअप बन सकता है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे सिराज बिल्कुल इन्हें परेशान करें, सो लेट्स सी हाउ पैन्स आउट फॉर दीज टू प्लेयर्स। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम, समझते हैं कौन होंगे आपके टॉप पिक्स, बेस्ट पिक्स, वर्स्ट पिक्स, बाकी सब कुछ, बट आपने अगर यहाँ तक प्रीव्यू देख लिया तो ऑलरेडी आपको वैल्यू मिल चुकी है फ्रॉम दिस। उसके अलावा फ्री कॉन्टेस्ट ऑलरेडी लाइव है माई मार्च 11, नहीं ज्वाइन किया तो ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके जुड़ जाइए। अब चलते हैं टीम की तरफ। अब
बेस्ट पार्ट क्या है कि जिन्होंने यहाँ तक प्रीव्यू देखा उनको ये पार्ट, ये नहीं भी देखेंगे तो इनको पता ही होगा कि मेरी टीम क्या होगी, तो जल्दी से पिक कर लेते हैं। इस पे मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरान, ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन दोनों टॉप चॉइसेस बनेंगे। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे आप मोहम्मद सिराज को बैक कर सकते हैं अगर पहले बॉलिंग करते हैं। बैटिंग सेक्शन में विराट, फैफ होंगे आपके लिए टॉप पिक्स। तो ये जो 8 प्लेयर्स हैं आपके लिए बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। सिराज सेकंड बॉलिंग करते हैं तो आप चांस ले सकते हो उन्हें ड्रॉप करने का। अब कौन से होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स? मार्कस स्टोइनिस टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप इन्हें बैक करेंगे टू कम। उसके अलावा यहाँ से आप बात करें तो बैटिंग सेक्शन में से देवदत्त पाटीकर की जैसे मैंने बात की, क्योंकि टॉप में बैटिंग करेंगे एंड ये इनका होम ग्राउंड है, तो पॉसिबिलिटी अच्छी है कि फॉर्म में आ जाए। सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कुछ खास फॉर्म में करेंटली है नहीं। एंड बॉलिंग सेक्शन में से एक जो पंत पिंक ऑफकोर्स काफी इंप्रेस किया, मयंक यादव अगर सेकंड बॉलिंग करे तो रहेंगे मेरी टीम में, एल्स रहेंगे अल्जारी जोसेफ, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में अंडर प्रेशर विकेट तो लिए जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो अभी के लिए आई एम गोइंग विद ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि हम मुझे लग रहा है बॉलिंग के साथ भी रोल बनेगा इन दिस गेम एंड विद द बैट तो काम करके ही दे सकते हैं। वाइस कैप्टन वन बिटवीन विराट कोहली एंड केएल राहुल, अभी के लिए जाऊंगा विद विराट क्योंकि अच्छा काफी किया है उन्होंने। तो ये रही अभी के लिए हमारी फैंटेसी टीम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कोई प्लेयर को मैंने क्यों पिक किया है, क्यों नहीं पिक किया, तो जाके वो प्लेयर का इंडिविजुअल प्लेयर कार्ड देख लीजिए, आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब समझते हैं आज के कौन से होंगे हमारे जीएल ऑप्शंस। लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स देवदत्त एंड रजत पाटीदार, उसके अलावा सिराज एंड क्रूनल होंगे हाई रिस्क हाई सिलेक्ट ड्रॉपर्स। बॉम्ब्स ऑलरेडी डेटा आप देख चुके हो इनका, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड पुरान, सीवीसी ऑप्शंस बॉलिंग फर्स्ट नवीन, एंड दोनों सिचुएशंस में मैक्सवेल, कोहली, क्यूडीके एंड राहुल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी का सपोर्ट बना रहे। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। डू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिप्टो फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वन।